वीडियो शुरू होने से पहले गाइस मैं इसको शॉर्ट आउट देना चाहूँगा, नाइट R47। क्यों? पहली बात तो आप इसकी बिल्ड देख लो, इसकी आईडी देख लो, और सबसे चौंकाने वाली चीज़ ये है कि ये कोल्ड बैच जरूर 3200 मैचेस के लिए। गाइस कल की लाइव स्ट्रीम में, और उससे पहले भी नहीं, मैंने 2 दिन पहले लाइव स्ट्रीम में आपको सर्व के साथ डबल टीम खेल के दिखाया था, ठीक है, डबल टीम जस्ट आपको मैंने करके दिखाया था। तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर्व के ऊपर बनाओ या कुछ करो, तो मैं सर्व के ऊपर बना देता हूँ। तो सारी रात मैंने वापस अपना प्रैक्टिस करी। आप लोगों को पता है कि मेरा ग्रीन बैच है, प्लस 68 या 69% मेरी विन रेट है, ठीक है, सोलो में। और सिंटरेस का भी हाल है, जरूर का भी मेरा यही है कि इतनी है मेरी विन रेट सोलो में, 400 मैचेस प्लस समथिंग, ठीक है, और जो काफ़ी मायने रखता है। लिटरली अगर 400 मैचेस प्लस है फिर भी आप 70% के आसपास विन रेट आपकी, तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश करा करो गैस, जितने भी चीज़ें, अगर आपको विन रेट आपको बढ़ानी है, उसका ईजी तरीका है कि हमेशा मैप पे ध्यान दो, ठीक है। मैप पे ध्यान देने के बाद आप ये देखो कि आपके टीममेट्स कहाँ पर है, वो सब है। चलो मैं आपको एक बार इसका बिल्ड तो मैं बता दूंगा। एमलेस मैंने लाइव में दिखा दिया, आप जाके देख सकते हो। जो मैंने ऑलराउंडर पे खेल के दिखाया वही मैं अटैकर्स पे खेलता हूँ, ठीक है, वही एनएफ है। आप बिना एम्बलम्स के भी खेल सकते हो, मैंने बिना एम्बलम्स के आपको खेल के दिखाया। और हमेशा ग्रे निंजा की HP कम होती है, जो कि सिंडर है इसकी भी कम है, अटैकर्स की स्पेशल अटैकर्स की HP कम होती है, पर ग्रे निंजा को बाकी पोकेमोन से अलग क्या बनाता है, उसकी सेकंड स्किल्स। जो सेकंड स्किल है, हमेशा हमेशा जब भी आप गैस फाइट ले रहे हो तो आप सब्सटीट्यूट मार के चले जाओ, वो उनका जो भी मूव्स होंगे वो आपके सब्सटीट्यूट पे लगेंगे, आपके साथी को बचा लेंगे, प्लस आप भी बच जाओगे। और एक और बात, जो उसका डबल टीम है वो भी ऐसा है, और स्मोक स्क्रीन क्या करता है वो लाइक सब, अगर बंदे उसमें आते हैं तो उनको कुछ दिखता नहीं, आप आराम से मार सकते हो, भाग सकते हो, पोजीशन ले सकते हो। इसलिए कहता हूँ कि स्मोक स्क्रीन हम डबल टीम से बेटर है, ठीक है, डबल टीम अपनी जगह सही है पर स्मोक स्क्रीन बेटर है, स्टील करने के लिए, पोजीशन बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें के लिए। भाई स्कार्ड लिया इसने यार, स्कार्ड अगर मेरे को मुँह पड़ गया क्या, मैं यही कहने वाला था। स्कार्ड गाइस लिटरली बड़ा दर्द देता है, पर सर जो है ना, कल मैंने सर से आप लोगों को खेल के दिखाया, अपने टीम के अटैकर से और सामने वाले के अटैकर जैशियन, उनसे ज़्यादा डैमेज करके दिखाया सर्फ के साथ, और डिफेंसिव बिल्ड था, नॉट डैमेज बिल्ड था, डिफेंसिव बिल्ड था। आप जाके देखना स्लो ग्रो से अगर आप लोगों को खेलना, और यहाँ पे कोई बफ नहीं ले रहा तो हम बफ लेते हैं फटक से। एंड हमेशा सबसे पहला टारगेट आपका ग्रे निंजा से 7 लेवल होने का। अगर आप स्टैक नहीं कर सकते, अगर आपको दिक्कत लगती है कि स्टैक करने में, तो स्टैक ना भी खेलो, कोई नहीं, स्टैक असल में आपको अर्ली गेम में काफ़ी मदद करता है। अर्ली फेज़ में अगर आपको जंगल मिल जाता है आप स्टैक कर पाते हो, क्योंकि उसके बाद आप कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकता, जैसे कि जैशियन के सामने स्टार्टिंग में 5 लेवल पर कोई टिक नहीं सकता, हर कोई पिटता है जब तक कि सामने वाले इवॉल्व नहीं होते या उनको लेवल एडवांटेज नहीं मिलती। और गाइस यहाँ पे नीचे जाएंगे, अगर यहाँ से अगर SPN, ओके मेरे को स्मोक स्क्रीन यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए करते हैं स्मोक स्क्रीन हमेशा ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ही वो स्मोक स्क्रीन के अंदर गई होगी उसको कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसको पता चल गया होगा कि मैं जस्ट पास में था, ठीक है। और SPN को निकाला हूँ, SPN बाय द वे सबसे बेस्ट अटैकर है अभी के लिए, जी हाँ सबसे बेस्ट अटैकर है, अगर आपको देख सकते हो एक बार में उसने ले लिया। अगर आपको खेलना है रैंक पुश करनी, तो SPN जो, और वो फायरबॉल खेल रहा है, तो 2 पोकेमॉन ऐसे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन में अटैक करते हैं, और जो अगर आपको लगा तो एकदम ही मेल्ट हो जाओगे, SPN साइशॉक, ठीक है, और दूसरा गैस फायरबॉल, तो आपको कैसे निकालोगे आप उसे? तो सीधी सी बात है, हमेशा 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 मूव करते रहना, अगर सीधी फाइट लोगे तो आपके देखो जैसे उसको देखा जैसे उसको डायरेक्ट पड़े, 1 मिनट का स्मोक सीन ऑन करूँगा एंड यहाँ पे निकालूंगा, और यहाँ पे 1 मिनट ये तो गया, ओके हल्का तो पीछे रहो क्योंकि मूव करते जाओ गैस, मूव करते जाओ, ओके अब अगर ये मारेगा मिस करेगा तो मिस कर दिया, अब घुस जाओ गैस, अब घुस जाओ, देखो ये चीज़ का ध्यान रखना। SPN का और सिड्रेस का पायरबॉल, मतलब जो भी मूव्स स्ट्रेट लाइन में चलते हैं अगर वो मिस हो जाते हैं तो सर्फ मार के पास चले और ख़त्म कर दो वहीं पर, ठीक है, या फिर स्मोक स्क्रीन मार के पास जाओ। बाय द वे आप जब आप स्मोक स्क्रीन में एंटर करते हो ना, तो आपका जो अगला अटैक है वो क्रिएट पड़ता है, मतलब बूस्टर अटैक हो जाता है और अच्छा खासा पड़ता है, तो आप स्मोक स्क्रीन मार के स्टार्ट कर सकते हो ऐसे असॉल्ट करना, लाइक मतलब असैसिनेट करना, जैसे क्या कहते हैं उसको, ये असैसिन की तरह मारना एकदम ही ख़त्म करके, बर्स्ट डाउन कर देना। बर्स्ट डाउन का मतलब एकदम ही इतनी जल्दी फास्ट डैमेज करा और इतना हाई डैमेज करा कि वो इंस्टेंटली 1-2 सेकंड के अंदर ख़त्म हो गया। और हाँ, ग्रे निंजा ऐसे कर सकता है, अगर फुली स्ट्राइक हो तो और जल्दी कर सकता है, ठीक है। अभी 4 सेकंड आप देख सकते हो कि दोनों जनों को कितनी जल्दी निकाला आराम से, ठीक है, ओके यहाँ पे ये है, और कोशिश करो गैस एक्स अटैक ऑन करो, ओके इधर आजा, ठीक है, और उसने स्कार्ड मार दिया, और भाई उसने स्कार्ड नहीं मारा, अब मारा फिर से, ठीक है, कोई नहीं उसने ऊपर रख लिया, और सर्फ रिसेट हो चुका है। हाँ सर्फ रिसेट होता है अगर HP बंदे की कम हो, और अगर आपने सर्फ मारा और बंदा मर गया, चाहे वर्ल्ड पोकेमॉन मर गया, तो आपका सर्फ रिसेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आप क्या कहते हैं, आप हील भी होते हैं, वाटर शुरिकेन भी हील करता है, सर्फ भी हील करता है, और जहाँ तक मुझे याद है कि ये सर्फ जितनी कम HP की उतना ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि ये चीज़ें होती है। और यहाँ पे 3, ओके 2 जनों को पड़ा मेरे को लगा, 3 तो ग्रे निंजा, भाई 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 भाई, इसको तो
मर गया भाई। वो बीच में स्लोब्रो आ गया था, स्लोब्रो गाइस स्लोब्रो पे हिट लग गया, पर ऑलरेडी आई सिकल स्पेयर जा चुका था तो ग्रे निंजा पे लग गया। इसलिए मैं आई सी विंड आपको कहता हूँ, क्योंकि आई सी विंड क्या करता है, वो सीधा ही जिस पे आप मारोगे वो सीधा जाके उसको लगता है, कोई बीच में आ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आई सिकल स्पेयर की जगह मैं वो कहता हूँ। हाँ ड्रैगन बोल्ट को अगर आप एक मिनट रुकोगे, देखो इसने मार दिया, इसने मार दिया और अब तो आराम से मारो सर। हमेशा एसपीओन का और इन चीज़ों को पॉकेट में करना, जैसे इनका भी सेक्रेट शॉट का चलने का वेट करो। जो उर्शिफू है ना, उर्शिफू दिक्कत देता है गैस। ओके ये फार्म करते हैं, यहाँ से चलते हैं। पर उर्शिफू दिक्कत क्यों करता है कि एक मिनट कैसे यहाँ से सीधा सर्फ ही मारूंगा अंदर, लगा उसे भाई 1500 होता है ऐसे ही पड़ गए नॉर्मल, क्रिकेट पड़ता तो खत्म था ये। तो उर्शिफू की क्या दिक्कत है, उर्शिफू की जब भी वो तीन हिट मारता है सर्जिंग स्ट्राइक के, और तीन हिट के बाद अगर उस बंदे ने हर तीन हिट के बीच में बेसिक अटैक मारे तो भाई उसका रिसेट और जल्दी आ जाता है, मतलब कूल डाउन कम हो जाता है, पर वो हील भी करता है। टैम सर्जिंग स्ट्राइक जब बफ भी नहीं होता तब भी मैंने उससे 90,000 डैमेज करा था, वो एक बार जाकर वीडियो देखना पहले का, सही बता रहा हूँ मैं। पर उस समय मैंने डायरेक्ट ही पंचिस करके मारा था। असली उसका यूज़ है कि आप हमेशा जब भी सर्जिंग स्ट्राइक का पहला हिट मारो तो उसका बेसिक अटैक जरूर मारना, चाहे ग्रे निंजा के ऊपर जा रहे हैं, और हमेशा पास से अगर आप फाइट लोगे तो बहुत सही मारता है ये, ठीक है बहुत सही डैमेज करता है। एंड अब इस पोकेमोन को किस मतलब ग्रे निंजा को किससे दूर रहना चाहिए, ट्रेवेनेंट से दूर रहना चाहिए, ठीक है मैमोस्वाइन से दूर रहना चाहिए, ब्लास्टोइस से दूर रहना चाहिए, उर्शिफू से दूर रहना चाहिए, उर्शिफू से इन सबसे रेंज। और बाय द वे टच हो चुका है जाके गोल्ड डालते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव मेरे मतलब यहाँ पे वो बफ दिख रहा है, पर 40 गोल्ड डालने ज़्यादा जरूरी है क्योंकि काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी ज़्यादा गोल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। तो मैं क्यों कह रहा था उनसे, देखो अगर आपको इनसे फाइट लेनी है ना, पहली बात आप अपने मैप में देखो कि आपके बंदे आसपास हैं, अगर बंदे पास में आ रहे हैं तो आप फाइट ले सकते हो, पर अगर आपने मैप में देखा कि बंदे नहीं हैं तो गैस सीधी सी बात है, ओके इसने पहले इस कार्ड मार दिया, सीधी सी बात है कि आप दूर दूर से फाइट लो जब तक कि आपके साथी आपके पास नहीं आते, आप ऐसे कर सकते हो। और यहाँ पे इसको आराम से मारो भाई, यूनाइट मार दी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा सर्फ मार के खचाक से जल्दी से पीछे जाके, और कार्ड मिस करा, ओके ओ भाई यूनाइट सीधी फेंक के मारी। यूनाइट देखो, यूनाइट एक और चीज़ है सिंड्रेस की और ग्रे निंजा की, अगर ग्रुप में मारोगे तो अच्छा है, पर उसने यूनाइट मेरे को मारने के लिए कोशिश अच्छी करी, अगर मैं मर जाता तो उनके पास डैमेज नहीं मतलब हमारी टीम के पास डैमेज कम हो जाता, सिर्फ ग्लेशियर बचता और वो पुश कर सकते थे, पर मैं बच गया। और डिसुडाइड स्पिरिट खेल रहा है, अच्छी बात है, यहाँ से गायब होते हैं। अरे पिछले तो मेरे पे यूनाइट मारता ना इधर आते ही, खचा ख़त्म, देख रहे हो कितनी जल्दी मेल्ट हुआ। ओके इसको निकालने की कोशिश करेंगे गैस, इसका हमेशा 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 एक मिनट गैस एक्स्ट्रा अटैक ऑन करो और वो वेट करो। अरे निकल गया, अच्छा इधर आ तेरी खचा निकल गया भाई, दोनों कितनी जल्दी मारे देख रहे हो, एसपीओन का और उसका और ब्लेस किक, हाँ ब्लेस किक को भी आप काउंटर कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि ब्लेस किक अगर उसने पहले मारा है तो आपके पास पोजीशन कहाँ पर किस पोजीशन में वो खड़ा हुआ है आप वहाँ डैश मार के जा सकते हो, उसको वहीं मेट कर सकते हो, ठीक है। ओके ये भी गया, जी जी पुश करेंगे देखते हैं, और नीचे बंदा है मैंने जस्ट देखा, और देखा एसपीओन था, देख लिया भाई देख लिया मैंने तेरे को देख लिया, छुप जा अब क्यों छुप रहा है, अरे 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 फालतू बोलेगा इधर आते भाई, खत्म लिटरली खत्म। ओके भाई इसको यहाँ पे निकालते हैं, मेरे गिर को मारेगा है मतलब वो क्या कहते हैं स्लोबर को, ख़त्म ये भी भाई, पड़ गई सीधी पड़ गई मुँह पे ये स्कार्ड पायरो और एसपीओन, और बाय द वे मिल भी गया, देखो चार जने तो ऊपर थे और एक बंदा तो मार भी दिया था, इन्होंने एक रोटम को रोकने के चक्कर में पूरा रिकॉर्ड सा गया, और देख सकते हो 10 किल्स आराम से, जी जी और 5 स्ट्राइक, अभी 6 स्ट्राइक भी कर सकता हो और बिना स्ट्राइक के लोगों फिर भी चलेगा गैस, पर यह है कि अगर स्ट्राइक हो जाता है तो ज़्यादा डैमेज होता है क्योंकि वो डैमेज बढ़ा देता है। ओके ये नहीं डाल पाएगा। तो गैस एम्बलम्स मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में दिखा दिए हैं, बिल्ड अटैक वेट मसल स्कोप है, ठीक है मसल स्कोप हमेशा खेला करो प्लीज़, या फिर रैपिड फायर स्कार्फ और स्कोप लाइन्स, ठीक है स्कोप जरूर खेलो प्लीज़, स्कोप आपका क्रिएट रेट बढ़ाता है। और अरे इधर आ तेरी एक्स अटैक ऑन करो, गायब हो जाओ और खचाक 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 काट दो पीछे से, जैसे कच्चा फाड़ने वाला था ना कहीं खच 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 की आवाज़ आती, देख रहे हो डैमेज भाई मेल्ट। डैम कितने सेकंड लगे होंगे, तीन चार सेकंड लगे होंगे गैस इसको मारने में, जबकि डिफेंडर है वो, ठीक है डिफेंडर है गैस। तो आप रेंज जैसे पुश कर सकते हो, पर एसपीओन को मैं अभी बोलूँगा कि ज़्यादा हाई चांसेस जीतने के, एसपीओन गैस टूर्नामेंट्स में भी खेला जा रहा है और भाई लिटरली उससे तबाही मचाई जा रही है, और सर्जिंग स्ट्राइक उर्शिफू भी है, जैशिन भी चल रहा है। तो ये गैस मैंने पोकेमोन बता रखे हैं आपको पहले ही, तो ग्रे निंजा से आप लोगों को सर्फ अगर उसमें उसकी देखना तो मैंने आपको दिखा दिया है, मैं सोच रहा हूँ आगे जाऊँ कि नहीं जाऊँ। देखो कभी भी अगर आपको लगता है जैसे वैसे तो ह्यूज लीड है, जा सकते हो फाइट लेने के लिए मस्ती करने के लिए, देख रहे हो सर्फ कितना काम का है, वो मर भी गया बट उसकी जो तीन वेव्स थी पूरी लगी उसने, ओ भाई कार्ड दिया भाई उसको, तो
भाई देख रहो ये इतनी यूनाइट मारने के बाद मेल्ट नहीं कर पा रहा, बट मैं इसको 3 से 4 सेकंड के अंदर मेल्ट कर पा रहा हूँ। देख रहे हो जैशिन से ज़्यादा डैमेज आप ग्रेनेजर से दे सकते हो, जल्दी डैमेज दे सकते हो। वो उसने अरे तू कैसे आ रहा, फालतू बोलेगा ठीक है ये ले भाई, गेम ओवर ही कर दिया इसकी। और इधर आजा, हैमर पड़ा और हैमर उसको पड़ा और यूनाइट चली हैमर। हाँ बाय द वे जब एक लाइन में जाओगे ना तो कभी सीधी लाइन में मत रहना, मतलब आप अगर अटैकर्स हो तो ऑलराउंडर से ऊपर नीचे रहना थोड़ा सा ऊपर या नीचे की तरफ, क्योंकि ऑलराउंडर को हम पूरे हैमर पड़ेगा तो आपको पड़ेगा। देखो 94,000 का डैमेज सोलो में बिना किसी सपोर्ट के डिफेंडर के, लाइक मतलब सामने कोई इतना था भी नहीं और मैंने घुस के आपको मारते हुए दिखाया, और एस पी ओ को भी काउंटर करके दिखा दिया इन तीनों का भी, एंड स्लो ब्रो को देख सकते हो कि कितना डैमेज लिया उसने, 1,00,000 ठीक है, 12 kills 5 support और इतना ज़्यादा डैमेज। तो ग्रेनेजर निंजा से आप ये सब चीज़ें ध्यान रख सकते हो। मैंने बिल्ड आपको बता दिया, एम्बुलेंस मैंने ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में दिखा दिया, तो जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक कर देना, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ सभी से मैं आगे लेता हूँ, बाद में डे स्टूडियो ने काफ़ी अच्छा खेला, तो अडियोस टेक केयर शपा केयर एंड पीस आउट।